आज मैं अपनी लाइन हूँ डलगोना कॉफ़ी रेसिपी, जो आजकल बहुत फेमस है। क्वारंटाइन टाइम पे लोग बनाते हैं, फोटोज डालते हैं, तो आप भी अब इस वीडियो को देख के तैयार हो जाइए और बनाइए मेरे साथ डलगोना कॉफ़ी और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। इसके लिए हमें शुगर और कॉफ़ी को इस तरह से मिला देना है। शुगर, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कप कॉफ़ी बनानी है, तो उसमें आपको एक चम्मच शुगर और जितनी स्ट्रॉन्ग और करीब एक टीस्पून कॉफ़ी डालनी है, और इसमें हम दो चार ड्रॉप्स में पानी डालेंगे। दोस्तों, डलगोना कॉफ़ी में आपकी चॉइस है कि आप इसको ठंडे दूध में पीना चाहते हैं या गर्म दूध में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको मिलाएंगे और इसे फेंटते रहेंगे, और इसे तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ये मिक्स हो करके हैवी एक गाढ़ा सा एक पेस्ट नहीं बन जाता। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों, एक बूंद पानी डाल के मिलाने के बाद ये इस तरह से हुआ है। तो मैं इसमें एक दो ड्रॉप पानी और डालूँगी और फिर इसे मैं चलाती रहूँगी। ये देखिए दोस्तों, जब मैंने इसमें दोबारा पानी डाला तो ये कुछ इस तरह से हुई है मिलाने से। तो मुझे बहुत कम पानी डालना है, और ध्यान रहे अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी डलगोनी कॉफ़ी में वो बात नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तीसरी बार पानी डालने के बाद इसमें इस तरीके से छाप बनना शुरू हुआ है। अब आप देखिए, दोबारा मैं पानी डालूँगी बट एक ही बूंद, ज़्यादा नहीं, और फिर से वही काम। ये काम आप टीवी देखते देखते, मूवीज देखते देखते, कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको जब मैं चला रही थी तो अब इसमें इस तरीके से रंग आ गया है चीनी, मगर अभी पूरी तरह से घुली नहीं, और इसको चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मुझे एक दो बूंद पानी इसमें और डालना पड़ेगा सो दैट कि इसे हम और अच्छे से फेंट सकें और ये और अच्छी सी बन जाए। ये हमारी फाइनल मोड पे आने वाली है। अभी फिर से ये गाढ़ी हो गई है, इसको चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया जा रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत कम पानी मिलाइएगा तभी मज़ा आएगा। दोस्तों, ये देखिए हमारा ये डलगोना कॉफ़ी का कॉफ़ी मिक्सर रेडी है। दोस्तों, अगर आपको ये हाथ से करने में प्रॉब्लम होती है, आपको थक जाते हैं, तो आप हैंड ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।